हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, Redmi Note 5 Pro के यूजर्स के लिए MIUI 10.3.1.0 का लेटेस्ट स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन गाइस, इस अपडेट के साथ भी आपको एंड्रॉयड पाई का अपडेट देखने को नहीं मिला है, यहाँ पर आपको वही पुराने वाला एंड्रॉयड ओरियो 8.1 मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस अपडेट में आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं, कुछ हिडन फीचर्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट के टॉप 10 फीचर्स के बारे में, सभी फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एंड जिन यूजर्स को ये अपडेट नहीं मिला तो उन्हें कब तक मिलेगा, एंड्रॉयड पाई का अपडेट कब तक रोल आउट किया जाएगा, कैमरा 2 API, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, पबजी HD ग्राफिक्स, तो सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक पूरा जरूर से देखते रहिए, लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगी Redmi Note 5 Pro के लेटेस्ट MIUI अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो यहाँ पर गाइस, अगर बात करूँ Redmi Note 5 Pro के इस अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI ग्लोबल 10.3 स्टेबल 10.3.1.0 इस अपडेट का वर्जन है, OEIMIXM, यानी ये अपडेट आपका एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर बेस है। एंड यहाँ पर आप एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल देख सकते हैं, 1/4/2019 यानी 1 अप्रैल 2019 का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पाई का अपडेट देखने को नहीं मिलता है, वही आपको पुराने वाला ओरियो अपडेट मिल जाता है। दोस्तों, जिन यूजर्स को अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है तो डाउनलोड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो डायरेक्ट गाइस, अभी हम बात करते हैं इस अपडेट के कुछ टॉप फीचर्स के बारे में, उसके बाद हम एंड में बात करेंगे एंड्रॉयड पाई के अपडेट के बारे में, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा 2 API, पबजी HD ग्राफिक्स एंड डार्क मोड के फीचर के बारे में। तो लेकर चलता हूँ गाइस आपको इस अपडेट के व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अपडेट किया गया है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल को, तो ये आपको पहला चेंज मिलता है इस अपडेट के साथ। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, 1 अप्रैल 2019 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है। तो दोस्तों, नीचे आपको काफ़ी लंबा चौड़ा चेंज लॉग यहाँ पर गिवन है, लेकिन यहाँ पर आपको बग्स के बारे में बताया गया है, फीचर्स के बारे में भी कुछ बताया गया है। तो डायरेक्ट मैं आपको पहले फीचर्स बता देता हूँ, उसके बाद इस चेंज लॉग के कुछ बग्स के बारे में बताऊँगा। तो नेक्स्ट चेंज आपको मिलता है सेटिंग्स में, दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है इमरजेंसी SOS का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको कैसे यूज़ करना पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इसे पहले अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर देना, जैसे 2-3 कॉन्टैक्ट्स जो कि आपके कुछ रिलेटिव्स के हो सकते हैं, या फिर आपके घर के कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गाइज, इसका फ़ायदा ये है, अगर मान लो आप किसी इमरजेंसी में फंस जाते हो, तो जो ये आपका इमरजेंसी मैसेज है उन कॉन्टैक्ट्स के पास पहुँचा देगा, एंड उनको आपकी लोकेशन वगैरह, उनको आपकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर पता लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको उसको अनेबल करने के बाद सिंपली पावर जो ये बटन है, इसको 5 बारी टैप करना है, बार बार इसे 5 बारी आपको प्रेस करना है। तो दोस्तों, ये आपका जो ऑप्शन है, ये आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दोस्तों, इसको अनेबल करने के बाद आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर ऊपर रेड कलर का ये पट्टी दिखाई देगी, इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है। दोस्तों, अगर नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करी जाए, तो नेक्स्ट फीचर आपको सेटिंग्स में नीचे MIPay अकाउंट का देखने को मिल जाता है। तो ये आपका गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम की तरह काम करता है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का, गैस का, DTH, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, किसी का भी बिल वगैरह पे कर सकते हैं या फिर रिचार्ज कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं भीम UPI के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप UPI के थ्रू कुछ भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, और साथ में ये आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को भी रिकॉर्ड करता है, ताकि आपको पता लग पाए कि कितना कहाँ से क्या ट्रांसफ़र आपने किया है। दोस्तों, नेक्स्ट फीचर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाता है, जो कि एक इंटरेस्टिंग फीचर भी है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है सेटिंग्स में, नीचे आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको पहले आप अनलॉक कर लीजिए। ऊपर आपको एक छोटा सा सेटिंग का आइकन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, इसके नीचे आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है अनलॉक एप्स यूजिंग फेस डाटा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो आपकी एप्लीकेशंस है उनको अपने फेस डाटा की हेल्प से भी अनलॉक कर पाओगे। पहले यहाँ पर आप अपने डिवाइस को ओनली यहाँ पर फेस अनलॉक की हेल्प से अनलॉक करते थे, अभी आप साथ में एप्लीकेशंस को भी यहाँ पर आप अपने फेस अनलॉक को यूज़ करके अनलॉक कर पाओगे, जो कि यार एक इंटरेस्टिंग फीचर है। पहले आपका खाली फिंगरप्रिंट की हेल्प से एंड पैटर्न की हेल्प से आप यहाँ पर अनलॉक कर पाते थे। दोस्तों, नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करी जाए, तो नेक्स्ट फीचर आपको सेटिंग्स में डिस्प्ले में ही देखने को मिलता है, रेज टू वेक का।
जी हाँ दोस्तों, ये फीचर भी यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको इनेबल करने के बाद आपको जो पावर ऑन ऑफ बटन है उसको यहाँ पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका फ़ोन यहाँ पर लॉक होगा, खाली आपको अपना फ़ोन यहाँ पर ऊपर उठाना है। आप देख सकते हैं आपकी जो स्क्रीन है उसकी लाइट यहाँ पर ऑन हो चुकी है। एंड अगर आपने फेस अनलॉक डाला है तो ये आपकी जो स्क्रीन है उसको अनलॉक भी साथ में कर देगा। दोस्तों नेक्स्ट फीचर आपको सेटिंग्स में मिल जाता हो तो यार सेटिंग्स में ही आपको सारे फीचर लगभग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है यूज़र गाइड का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये आपको बता देगा कि कैसे आपको क्या यूज़ करना, अपने स्मार्टफोन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैसेजिंग वगैरह, कॉल्स वगैरह, गैलरी में कैसे आप फोटो सेव कर सकते हैं, तो सब यहाँ पर आपको ये बता देगा। मुझे यार थोड़ा सा फालतू का फीचर ये लगा, क्योंकि यार रेडमी नोट 5 प्रो में ये फीचर देने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि सभी के पास अभी ये पुराना फ़ोन हो चुका है एंड सभी को पता है कि कैसे स्मार्टफोन को यूज़ करना है। दोस्तों नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूँ तो गैलरी में आपको न्यू फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट्स पर टैप कर देना है, उसके बाद गाइज आपको कोलाज के नीचे क्लिप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी आप यहाँ पर वीडियो वगैरह भी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको किन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर फोटोज़ वगैरह को सिलेक्ट करके एक वीडियो बना सकते हैं एंड बैकग्राउंड में कोई भी म्यूज़िक वगैरह भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Xiaomi की जो गैलरी एप्लीकेशन है MIUI 10 में, उसमें यार काफ़ी सारे एडवांस एडिटिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चेंज आपको मिल जाता है आपकी लॉक स्क्रीन पर। जैसे आप लॉक करोगे अपने डिवाइस को तो यहाँ पर आपको एक फेस का इमोजी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं, तो ये भी यार ऐड किया गया है जिससे पता लगेगा कि आपके डिवाइस में फेस अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करी जाए तो नेक्स्ट फीचर आपको मिल जाता है ऐप वॉल्ट में। यहाँ पर आपको ऐप वॉल्ट में टुडेज डील का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये आपको कुछ डील्स बताएगा, कुछ ऑफर्स बताएगा जो कि आज के दिन यहाँ पर सबसे बढ़िया रिचार्ज के ऊपर, एसेसरीज, होम डील्स पर, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों इसके नीचे आपको यूटिलिटीज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इलेक्शन की न्यूज़ आप देख सकते हैं, ग्रोसरी वगैरह परचेज कर सकते हैं, बिग बास्केट की साइट पर आपको ये डायरेक्ट ले जाएगा, शॉपिंग आप कर सकते हैं अमेजन के ऊपर, ये डायरेक्ट आपको ले जाएगा, स्विगी कर सकते हैं, ऑर्डर फूड यहाँ पर कर सकते हैं, बस बुकिंग, बुकिंग होटल आप यहाँ पर ओयो रूम के ऊपर ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पर शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिया। तो क्रिकेट का ये जो ऐप वोल्ट में यहाँ पर जो फीचर था ये पहले से यहाँ पर गिवन था। दोस्तों यहाँ पर आपको अभी स्टॉक्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप जो शेयर मार्केट के वगैरह हैं उनकी न्यूज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं MIUI 10.3.1.0 के स्टेबल अपडेट के साथ। अगर इसके अलावा कोई और फीचर आपको मिलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। अगर मुझे कोई और एडिशनल फीचर मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो फुल रिव्यू की आने वाली है, तो उसमें मैं आपको अलग से बता दूंगा। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट को पिन करके फीचर को मैं टाइप करके वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों जिन यूजर्स को ये अपडेट अभी तक नहीं मिला तो 7-8 दिन आप वेट कर लीजिए, तो आपको जल्दी मिल जाएगा, या फिर डाउनलोड लिंक से आप अपडेट कर सकते हैं। फुल रोम एंड OTA लिंक की दोनों ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। दोस्तों अगर बात करूँ एंड्रॉयड पाई के फीचर के बारे में, एंड्रॉयड पाई का अपडेट कब तक आपको देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 100% जो नेक्स्ट अपडेट रोल आउट होगा 10.3 का, 10.3 के नेक्स्ट अपडेट के साथ आपको जरूर से एंड्रॉयड पाई का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर 20 जून के आसपास, यहाँ पर 20 जून से पहले पहले आपको यहाँ पर रोल आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों और बात करूँ यहाँ पर कुछ और चेंजेस के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ कैमरा एप्लीकेशन में। तो कैमरा एप्लीकेशन में कोई खास ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मैं लेकर चलता हूँ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग सेक्शन में, एंड यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, मैक्सिमम आप यहाँ पर फुल HD 1080p 60fps पर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। गाइज अगर बात करूँ पबजी HD ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पर मैं एक बार ही आपको चेक करा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स में आपको ग्राफिक्स जो हैं अभी HD ग्राफिक्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि एंड्रॉयड पाई का जो अपडेट आ जाए वहाँ पर आपको मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, शायद से आपको MIUI 11 के अपडेट के साथ आपको ये फीचर शायद Xiaomi यहाँ पर अनेबल कर दे है। तो अभी तो आप मीडियम सेटिंग्स पर आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं पबजी को। दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करूँ, तो कैमरा टू API के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कैमरा टू API इस अपडेट में अनेबल देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट एक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के लिए आपको कैमरा टू API का ऑप्शन अनेबल देखने को नहीं मिलता है, जबकि Redmi 7, Redmi Y3, Note 7, Note 7 Pro, जो भी Xiaomi के न्यू डिवाइसेज यहाँ पर अभी लॉन्च हो रहे हैं, सब पहले से ही
आपको कैमरा टू एपीआई एनेबल देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर मिसिंग है। डार्क मोड का फीचर भी अभी आपको डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलता है, वो फीचर आपको जरूर से अगले अपडेट के साथ देखने को मिल जाएगा। बीटा यूजर्स के लिए ऑलरेडी ये फीचर्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, क्योंकि यार बीटा में 1.5-2 महीने पहले ही सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि स्टेबल में बाद में आपको मिलते हैं। दोस्तों अगर बात करूँ कुछ बग्स के बारे में, तो लास्ट अपडेट के कुछ बैटरी ड्रेनिंग इशू थे, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इस अपडेट के साथ जो बैटरी ड्रेनिंग इशू है वो यहाँ पर फिक्स हो जाए। मुझे अभी अपडेट करने के बाद अपने डिवाइस को यूज़ करते हुए इतना टाइम नहीं हुआ है, अभी 1 दिन से भी कम टाइम हुआ है। इतने में यार हम एनालाइज इतना नहीं कर पाए हैं, जितना मैंने एनालाइज किया मुझे यार थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लगी है, इतनी ज़्यादा तो नहीं लगी खैर। लेकिन दोस्तों 2-3 दिन जैसे ही मैं अपने डिवाइस को यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो 1-2 दिन में मैं आपको इस अपडेट का फुल रिव्यू भी प्रोवाइड करूंगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसा है बैटरी परफॉर्मेंस, कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, पबजी परफॉर्मेंस, तो सब कुछ मैं आपको वहां पर बताऊंगा डिटेल में। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों व्हाट्स न्यू में अगर मैं बात करूँ तो सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, इन चेंजलों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स फालतू के मेंशन यहाँ पर किए गए हैं। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको 10.3 सीरीज़ के स्टेबल अपडेट में देखने को मिलते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये अपडेट मिला है या फिर नहीं। एंड दोस्तों जैसे ही Xiaomi के डिवाइसेज में 10.3 सीरीज़ का कोई भी न्यू अपडेट रोल आउट होगा किसी भी डिवाइस में, तो यही सेम फीचर्स आपको वहाँ पर भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिसके पास भी Xiaomi का डिवाइस है तो उन्हें पता लग पाए कि जब उनके डिवाइस में 10.3 का अपडेट आएगा तो उन्हें क्या क्या फीचर देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।